हाय गाइस, मेरा नाम राफी धुंद्रीव, आप लोग का स्वागत है हमारे टेक्निकल धुंद्रीव चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML की मदद से आप लोग किसी भी वेब पेज का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, चाहे वो आप नोटपैड यूज़ करो, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करो, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आप यहाँ ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू फाइल को चूज़ कर लेना। उसके बाद क्या करना है, इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल एस यानी कि शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसे सेव कर लेना, ठीक है। और इसे मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नाम दे दे रहा हूँ लेसन टू के नाम, ठीक है, लेसन टू दे दे रहा हूँ। और इसका एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं HTML की कोडिंग कर रहा हूँ, इसलिए HTML का मुझे एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन मैं यूज़ करूँगा .html, ठीक है। मैं लिखने के बाद उसके बाद एक लोकेशन चूज़ कर लूँगा जहाँ पर मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैं डेस्कटॉप चूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ। सेव हो गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आइए देखिए आप लोग कहाँ पर सेव हुआ, ठीक है। तो लेसन टू के नाम से मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। और इसे मैं रन करके फिलहाल आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। रन करने के लिए आप लोगों को क्या राइट क्लिक करना होगा इस पर, इसको सिलेक्ट करके फाइल को, और उसके बाद ओपन विद गूगल क्रोम। किसी भी ब्राउज़र की मदद से कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो मोजिला हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। मैं यहाँ गूगल क्रोम की मदद से ओपन किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट वाइट होता है वेब पेज का कलर, तो यहाँ पर वाइट दिख रहा है। अब हम लोग कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटर मारेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो हम लोगों के सामने आ गया है, ठीक है, हम लोगों के सामने आ गया है। और मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसमें ये जो बॉडी आप लोगों को दिख रहा होगा, बॉडी के अंदर आना है, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेस लेके आप लोगों को लिखना है BG color, ठीक है, BG color लिखना है, ठीक है। तो कलर की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, COLOR है, COLOUR नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, और उसके बाद डबल कोटेशन लिखना है। डबल कोटेशन लिखने के बाद जो भी आप कलर देना चाह रहे हो, सपोज़ कि मैं रेड देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ रेड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल एस सेव करना है, और इसे मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड का कलर देख सकते हैं कि ये रेड हो गया, ठीक है। और अगर दूसरा कलर भी आप चाह रहे हो तो ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को हम करके, GREEN, ठीक है, ग्रीन में करके दिखा रहा हूँ। और इसे मैं यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ, सेव हो गया है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। इस तरह से कोई भी कलर आप लोग दे सकते हैं। एक और कलर हम करके देख लेते हैं, ठीक है, मैं येल्लो कर दे रहा हूँ, ठीक है, येल्लो। उसके बाद कंट्रोल एस मार के यहाँ सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ येल्लो हो गया। तो इस तरह से आप वेब पेज का कलर HTML की मदद से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।